नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भिंडी में जो तना छेदक और फल छेदक जो कीट लगता है उससे कैसे छुटकारा पाएं। तो हम पूरी जानकारी डिटेल में देंगे। अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को इसी प्रकार की हर रोज़ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो है फसल जो है हमारे शुरुआती दौर में तना छेदक लग जाता है, जिससे वो फसल सुंडी जो है डंक मारकर हमारी फसल को सुखा देती है, अच्छे से पेड़ में वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद जो अगर थोड़ा बहुत चलता है तो उसमें जो है फल लगता है उसमें डंक मारकर हमारे फल को टेढ़ा कर देता है, तो जिससे हमारे बहुत ही फसल नुकसान पहुंचाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी जानकारी आपको देंगे इसी में। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको क्लोरोरेंटानिक्लोरोल का प्रयोग करना चाहिए। इसको 5 से 8 ml प्रत्येक टंकी में 15 लीटर के टंकी में डालकर छिड़काव हमें 7-8 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो है फसल बहुत सुरक्षित रहेगी। इसमें जो है जंगली मच्छर और ये सफ़ेद मक्खियां हैं, जो इससे पूरी तरह हमारे फसल सुरक्षित बने रहेगी। आप देख पा रहे होंगे तना छेदक कैसे पत्तियों को छेद कर हमारे फसल को बर्बाद कर देती है। और दोस्तों, इसके अलावा इससे अगर प्रकोप कम होता है तो मैं एक और बता रहा हूँ, उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। एमेंटीन बेंजोनिट का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसको बड़ी आसानी से इसको 15 लीटर पानी में 5% से डालकर छिड़काव करना, बहुत ही अच्छी ये दवा है। हमको इसी को डालते रहना चाहिए, हमारी फसल सुरक्षित बने रहेगी और फल टेढ़ा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा फल। मार्केट में जाते ही इसको लोग पकड़ लेंगे, बिक्री बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि क्लोरेंटानिप्लोरोल का प्रयोग करें और एमेंटीन बेंजोनिट का ही प्रयोग करें, बहुत ही अच्छी दवा है ये। कम मात्रा में कम दामों में बहुत ही अच्छा काम करता है, तना छेदक फल छेदक में बहुत ही लाभदायक है। हम किसी भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं लेकिन मुझे कोई फसल पर नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।